अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आज बेटा ऑफिस ऑटोमेशन और हॉस्पिटल्स के अंदर कंप्यूटर और उसकी एप्लीकेशन का यूजेज डिस्कस करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से ज़रा इंपॉर्टेंट तो एक्टिव रहिएगा सबसे पहले ऑफिस ऑटोमेशन को देखें तो बच्चों ऑफिस ऑटोमेशन एक्चुअली इज़ द प्रोसेस ऑफ ऑटोमेटिंग ऑफिस टास्क यूजिंग कंप्यूटर्स मेन ये कि मल्टीपल ऐसे टास्क हैं जिन्हें ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करवाया जाता है प्रोसेस किया जाता है थ्रू कंप्यूटर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। मैनी टाइप ऑफ टास्क आर परफॉर्म्ड इन एन ऑफिस फॉर एग्जांपल, डिसीजन मेकिंग डेटा मैनिपुलेशन डॉक्यूमेंट हैंडलिंग कम्युनिकेशन एंड स्टोरेज जब कहीं पे भी कोई किसी किस्म का डिसीजन लेना होता है कैलकुलेशन अप्लाई करवानी होती है देन स्प्रेडशीट का सहारा लेते हैं हम डाटा मैनिपोलेशन मीन ये कि बहुत बड़ा रिकॉर्ड है तो उसे मैनिपोलेट किया जाए उसे अरेंज किया जाए उसमें से कोई चीज़ एज ए रिपोर्ट पेश करनी हो या उसमें किसी किस्म का भी कोई चेक पॉइंट लगाना हो मेनिपोलेसन का, का काम सारा कंप्यूटर की मदद से डॉक्यूमेंट हैंडलिंग मीन ये कि जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन हो रही होती है एक्चुअली उनको किस तरीके से हैंडल किया जाता है किस तरीके से मॉडिफाई किया जाता है किस तरीके से उसमें मजीद डाटा इंसर्ट किया जाता है डॉक्यूमेंट का हैंडलिंग का काम सारा कंप्यूटर्स की मदद से वन एवर डाटा ट्रांजेक्ट करवाना कम्युनिकेशन और उसे अपने पास स्टोर रखना या उसकी मल्टीपल कॉपीज जनरेट करवाना उसका बैकअप रखना ये भी सारा काम हम कंप्यूटर्स की मदद से कर रहे होते हैं अब ये जो टास्क आप लोगों ने बच्चों अभी पढ़े हैं इनको परफॉर्म करवाने के लिए मल्टीपल मेथड्स हैं डिफरेंट टेक्नोलॉजीज यूज की जाती हैं सबसे पहले का कर जिक्र करें डीएमएस का तो शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर बन जाता होता है वट इज डीएमएस याद रखिएगा डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सिस्टम एक्चुअली वर्ड प्रोसेसिंग डेस्कटॉप पब्लिशिंग स्प्रेड शीट एप्लीकेशन रेप्रोग्राफिक्स और इमेज प्रोसेसिंग का नाम है अब ये वर्ड प्रोसेसिंग एक शार्ट क्वेश्चन डेस्कटॉप पब्लिशिंग बहुत ज्यादा रिपीट होने वाला शार्ट क्वेश्चन रेप्रोग्राफिक्स इंतहाई इंपॉर्टेंट एम सी क्यूज और शार्ट क्वेश्चन तो आपने जरा एक्टिव रहना है वर्ड प्रोसेसिंग एक्चुअली क्या है आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उन्हें इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इलेक्ट्रॉनिकली क्रिएट करना उन्हें अरेंज करना और उनसे आपने लेटर्स प्रपोजल्स रिपोर्ट्स और ब्रोशर्स वग़ैरह को प्रोड्यूस करवाना एक्चुअली ये वर्ड प्रोसेसिंग कहलाता है यहाँ पे सबसे ज़्यादा एम एस ऑफिस की एक एप्लीकेशन यूज़ हो रही होती है जिसका नाम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है ये हम चैप्टर नंबर एट कंप्लीट एम एस वर्ल्ड पर ही है वहां पे डिटेल में प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे डेस्कटॉप पब्लिशिंग की बात करें तो बच्चों अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर आप जब कोई भी किताब पढ़ रहे होते हैं बाजूक तो यहाँ पे कंप्यूटर साइंस की बात कर लें फिजिक्स की कर लें किसी भी साइंस सब्जेक्ट की खास करके तो उसमें ना आपको बाज़ जगह पे पिक्चर्स नजर आ रही होती हैं यानी टॉपिक से रेलिट तस्वीरें भी नज़र आ रही होती हैं एक्चुअली अपने डॉक्यूमेंट्स को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उसमें फोटोज ग्राफिक्स वगैरह को ऐड करवा देना और उन्हें पब्लिश करना डेस्क पब्लिशिंग कहलाता है वे एवर स्प्रेडशीट एप्लीकेशन बच्चों हंड्रेड एंड थाउजेंड पीपल्स का कंपनीज का रिकॉर्ड मैनेज करना उसमें रिकॉर्ड मैनेजमेंट में ज्यादातर एक्सपेंसेस को डील करना पेज वगैरह को डील करना उसमें प्रॉफिट लॉस को मैनेज करना ये सारी डिटेल में हम चैप्टर नंबर नाइन में प्रैक्टिकली परफॉर्म करवाएंगे स्प्रेडशीट चैप्टर नंबर नाइन मौजूद है हमारी फर्स्ट ईयर के अंदर तो ये एक्चुअली हम एक एप्लीकेशन का सारा लेकर के कर रहे होते हैं जिसका नाम एम एस एक्सएल जिसे स्प्रेडशीट का नाम दिया जाता है वेन एवर रेप्रोग्राफिक्स एक इंतहाई इंटरेस्टिंग पॉइंट है यहाँ पे एक चीज बताता चलू किसी भी चीज़ की कॉपी करना किसी भी चीज़ की कॉपी जनरेट करना एक्चुअली जी रॉक कहलाता है ये कॉपी का लफ्ज़ एक्चुअली जी रॉक था आज भी अमेरिका में चले जाएं किसी भी इंग्लिश कंट्रीज के अंदर चले जाएं किसी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर चले जाएं तो वहाँ पे यह नहीं कहा जाता कि भाई इसकी दस कॉपियां कीजिए वहाँ पे यह कहा जाता है आज भी कि इस डॉक्यूमेंट की इस पेपर की दस जी रॉक कर दें सही वो दस जी राग का मतलब यही होता है कि उसकी दस कापियां जनरेट करवा देना अब जो प्रोसेस होता है मल्टीपल कॉपीज जनरेट करवाने का रिप्रोड्यूसिंग मल्टीपल कॉपीज ऑफ अ डॉक्यूमेंट नाउन रेप्रोग्राफिक कुछ पहले बढ़ गया आसान किया कि दस जी राग जनरेट करवा देना किसी एक लेटर की पेपर की किसी भी डॉक्यूमेंट की वो रेप्रोग्राफिक्स कहलाता है मीन ये कि एक ऐसा प्रोसेस जो कि रिप्रोड्यूसिंग कर रहा होता है मल्टीपल कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट कहलाता है इमेज प्रोसेसिंग की अगर बात करें तो शहजादो इमेज प्रोसेसिंग यूज टू तो स्कैन एंड स्टोर एन इमेज इन कंप्यूटर डिफरेंट किस्म के इमेज स्कैनर यूज करके हम किसी भी किस्म की फाइल को डॉक्यूमेंट्स को इमेज को स्कैन करके अपने सिस्टम में स्टोर करते हैं क्यों क्योंकि उसके ऊपर मजीद मॉडिफिकेशन करनी होती है या उसकी क्वालिटी को इंप्रूव या डाउन करने के लिए बात समझ आ गई अगर आपको रेलिवेंट एक एग्जाम्पल दूं तो आप लोग अपने एरिया में किसी भी फोटो स्टूडियो पे जाते हो वहाँ पे जा करके के कहते हो भाई आ, मुझे ए फोर साइज़ की इतनी पिक्चर्स बनवानी है मुझे पासपोर्ट साइज़ की इतनी पिक्चर्स चाहिए तो एक्चुअली आप क्या कर रहे होते हो इमेज प्रोसेसिंग की डिमांड कर रहे होते हो आपकी वो एक पिक्चर ले रहता है और बाद में उस इमेज को अपने सिस्टम में स्टोर करके उसके ऊपर फर्दर मॉडिफिकेशन करता है मेन ये कि सॉफ्टवेयर की मदद से आ, रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपको थोड़ा सा रिजल्ट बेहतर करके उसकी क्वालिटी इंप्रूव करके और अगर आपकी रिक्वायरमेंट टाईकोर्ट की हो तो इस तरह की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं इनको पूरा करने के लिए इमेज प्रोसेसिंग का सहारा लिया जाता है तो कुछ डीएमएस का पहले पड़ गया सेकंड बच्चों मैसेज हैंडलिंग सिस्टम की अगर बात करें तो इट इज यूज्ड टू सेंड मैसेज और डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर जो कि चैप्टर नंबर टू और चैप्टर नंबर थ्री के अंदर हम डेटा कम्युनिकेशन इंफॉर्मेशन नेटवर्क ही पढ़ते आ रहे हैं जिसमें हम डाटा पैकेट्स को फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर फ्रॉम सोर्स साइड टू डेस्टिनेशन सेंड ही करवाते आ रहे हैं ट्रांसमिट करवाते आ रहे हैं तो मल्टीपल टेक्निक्स यूज़ होती हैं जिसमें फैक्स uh, मशीन का भी हमने जिक्र किया वॉइस मेल का भी जिक्र किया ई मेल का भी जिक्र किया तो मेन ये कि मैसेज को डॉक्यूमेंट्स की फॉर्म में हो वो टेक्स्ट फॉर्म में हो वो इमेज फॉर्म में हो अपने मटेरियल को डाटा को इंफॉर्मेशन को फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ट्रांजेक्ट करवाना ट्रांसमिट करवाना मैसेज हैंडलिंग सिस्टम कहलाता है वन एवर ऑफिस सपोर्ट सिस्टम की अगर बात करें तो बच्चों ऑफिस सपोर्ट सिस्टम इज़ यूज टू कोऑर्डिनेट एंड मैनेज द एक्टिविटीज़ ऑफ वर्क ग्रुप चैप्टर नंबर टू टॉपिक नंबर वन के अंदर हमने वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग कोलेबरेटिव कंप्यूटिंग डिस्कस की थी कि जब एक किसी सिंपल या स्पेसिफिक टास्क के ऊपर मल्टीपल लोग मल्टीपल ग्रुप ऑफ कंप्यूटर्स मिलकर के काम कर रहे होते हैं तो उसे वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग का नाम दिया जाता है Whenever इस वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग के लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होता है वो भी हमने डिस्कस किया था ग्रुप वेयर यूज कर रहे होते हैं ग्रुप वेयर को यूज करते हुए जब वर्क ग्रुप कंप्यूटिंग हो रही होती है कोलाबरेटिव कंप्यूटिंग हो रही होती है, है तो एक्चुअली उस कोलेबरेटिव कंप्यूटिंग का नाम ऑफिस सपोर्ट सिस्टम है मीन ये कि मल्टीपल टास्क को मिल करके परफॉर्म करवाना और टाइम के अंदर मैनेज कर लेना ऑफिस सपोर्ट सिस्टम कहलाता है ओके अब जी मेडिकल फील्ड की बात करते हैं ये जनरल सा टॉपिक इसमें आप डेली रूटीन की बातें सुनेंगे कि हाउ कंप्यूटर्स कैन बी यूज़फुल इन मेडिकल फील्ड सबसे पहले हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर लेते हैं तो अगर आप में से किसी भी बच्चे का किसी पेरेंट्स के साथ या इंडिविजुअल या दोस्त के साथ हॉस्पिटल जाना हो तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि जैसे मरीज को आप लोग लेकर के जाते हैं तो आपके मरीज़ का रिकॉर्ड मैनेज किया जाता है सही चाहे वो मैनुअल सिस्टम के थ्रू हो चाहे वो कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू हो तो हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एक्चुअली वो तमाम मरीजों का रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए अपने एम्प्लॉयज का रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए अपने हॉस्पिटल में मौजूद इक्विपमेंट्स का रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए मेडिसन्स का सारा रिकॉर्ड मैनेज करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेशन का जितना भी काम है वो अब हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन कंप्यूटर और उसके एप्लीकेशंस को यूज़ करके डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज करके इन सबको वो मैनेज कर रहा होता है डिफरेंट मेडिसन्स अकाउंटिंग का सारा काम पे रोल स्टॉक सिस्टम यानी हॉस्पिटल के अंदर कितनी मेडिसिन मौजूद कितनी चली गई किस किस चीज़ की डेफिशिएंसी है कौन सी चीज़ हमारे पास एक्सपायर होने वाली ये सारे डिटेल मैनेज करने के लिए डिफरेंट सॉफ्टवेयर यूज हो रहे होते हैं जो कि अब कंप्यूटर और उसकी अप्लीकेशन का सहारा लेकर के ही मुमकिन होता है recording मेडिकल हिस्ट्री तो जैसे कि बताया कोई भी पेशेंट जाता है तो उसकी हिस्ट्री रखी जाती है उसकी हिस्ट्री को नोट डाउन किया जाता है हिस्ट्री बनाई किस लिए जाती है ताकि अगर कोई सर्वे करने वाली टीम आए कि इस एरिया के लोगों में कौन सी डिजीज ज़्यादा पाई जाती है कौन सी बीमारी ज्यादा पाई जाती है उसकी रीजन क्या है तो वो उस मकसद के लिए भी रिकॉर्ड को मैनेज करते हैं वेन एवर किसी एक ख़ास एरिया के लोगों के अंदर कोई खास अगर बीमारी पाई जा रही है तो उसके यहाँ ट्रीटमेंट करना आसान होता है कि भाई यहाँ पे इस वजह से फलां चीज़ की ज़्यादती या कमी की वजह से फ़लॉ डिजीज़ आ रही है तो इसके ऊपर जो हमें इंजेक्शन लगाना चाहिए तमाम लोगों को वहाँ पे वैक्सीन करनी चाहिए या फिर हमें डिफरेंट यानी कि वो एलगोरिदम्स अप्लाई करके डिफरेंट सिनेरियोज होते हैं डॉक्टर साहिबान के तो उस वजह से वो बीमारी के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं तो ये एक अफेक्टिव और हेल्पफुल सिस्टम बनाने के लिए रिकॉर्ड्स को मैनेज किया जाता है जो कि अगेन कंप्यूटर्स का सहारा लेकर के ही मुमकिन होता है वन एवर पुराने टाइम में मेरे ख्याल में आज भी सरकारी हॉस्पिटल्स ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे आज भी वो खाता सिस्टम है बड़े बड़े रजिस्टर रखे हुए हैं सारे का सारा रिकॉर्ड उसी के ऊपर मैनेज किया जाता है जो कि बाद में ढूंढना भी अज़ाब बन जाता है वैन एवर कंप्यूटर के ऊपर अगर मौजूद है सॉफ्टवेयर की मदद मतलब से आप विद इन नो टाइम किसी भी मरीज का नाम या उसका सी एन आई सी डाल के ईजिली उसे ट्रेस आउट कर सकते हैं बीमारी को चेक कर सकते हैं उसका सारी की सारी हिस्ट्री पेशेंट की आप देख सकते हैं क्लियर मोनिटरिंग सिस्टम की अगर बच्चों बात करें तो जितने भी पेशेंट्स मौजूद होते हैं हार्ट पेशेंट हैं खास करके ब्रेन के ब्लड प्रेशर के तो इनको ट्रीट करने के लिए इनके ब्लड प्रेशर को हार्ट बीट को या ब्रेन की कंडीशन को चेक करने के लिए डिफरेंट किस्म की जो डिवाइसेस यूज़ हो रही होती हैं ऑपरेशन uh, थिएटर के अंदर जितनी भी डिवाइस यूज़ हो रही हैं वो सारी की सारी कंप्यूटर एम्बेड सिस्टम के तहत वर्क कर रही होती हैं उनमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही होती है उनमें कंप्यूटर का भी इस्तेमाल है और उनमें एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर का भी यूज़ेज है क्लियर कभी आपने सुना हो ई का या आपने जा कर के नहीं देखा तो आप मल्टीपल ड्रामाज के अंदर देख रहे होते हैं वहाँ पर भी ई दिखाई जा रही होती है ऑपरेशन थिएटर दिखाया जा रहा होता है वन ब्लड प्रेशर के लिए जो आप इक्विपमेंट यूज कर रहे होते हैं वो भी एक्चुअली एक खास किस्म के सॉफ्टवेयर की मदद से एलगोरिदम की मदद से वर्क कर रहा होता है एक्चुअली आपको एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करना एक्यूरेट उसकी ट्रीटमेंट के लिए जो फैसिलिटेट कर रहा होता है वो मॉनिटरिंग सिस्टम एक्चुअली कंप्यूटर और उसकी एप्लीकेशन की वजह से वर्क कर रहा होता है ओके लाइफ सपोर्ट सिस्टम की अगर बच्चों बात करें तो ये ज्यादातर यूज हो रहा होता है डिसेबल पर्सन के लिए आपने देखा होगा मल्टीपल व्हील चेयर्स ऐसी हैं बात अब तो इतना एडवांस सिस्टम हो चुका है कि अगर आप खुदा न खासा किसी पेशेंट का बाजू वगैरह कट जाए उसकी आ, कोई भी यानी कि पार्ट उसका फिज़िकली डिसेबल हो जाए तो उसे ट्रीट करने के लिए उसे लाइफ में एग्जिस्ट करने के लिए सपोर्ट करने के लिए मल्टीपल एआई फील्ड के अंदर इतनी ज़्यादा क्रिएशन हो चुकी है इन्वेंशन हो चुकी है जिसकी वजह से आज तो आप देखें तो ब्लाइंड पर्सन के लिए डिवाइस बन चुके हैं जो कि उन्हें बता रही होती हैं कि एक्चुअली आगे कोई हर्डल आ रही है कि नहीं आगे रास्ता क्लियर है या कि नहीं तो इस तरह से लाइफ सपोर्ट सिस्टम के अंदर भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है किस चीज़ का भला कंप्यूटर और उसकी एप्लीकेशन का भी फाइनली बच्चों अगर बात करें डायग्नोसिस ऑफ डिज़ीज़ की तो जितनी भी अब तक हमने पेशेंट की हिस्ट्री देखी बीमारियां देखी और उससे रेलिवेंट जितना भी हमने सिस्टम देखा जी लाइफ सपोर्ट सिस्टम है मॉनिटरिंग सिस्टम है रिकॉर्ड मेडिकल हिस्ट्री दिस एंड डेड तो ये सारी चीज़ें जब फाइनली अगर हमारे पास कुछ बीमारियाँ रजिस्टर हो चुकी हैं तो देन उनको सॉल्व करने के लिए उनका सोलूशन फाइंड करने के लिए रिसर्च करने के लिए ब्लड टेस्ट करने के लिए और मल्टीपल एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो कि स्टोर्ड डाटे के ऊपर डिफरेंट एलगोरिदम्स अप्लाई करके हम वहाँ पर डिजीज़ को फाइंड भी कर सकते हैं और उस डिज़ीज़ जो फाइंड शुदा है उससे रेलिवेंट जो उसका सोलूशन होगा वो भी ईज़िली हम फाइंड कर सकते हैं डायग्नोस ऑफ डिजीज़ इज़ पॉसिबल बाई एंट्रिंग द सिमटम्स ऑफ अ पेशेंट तो जैसा कि अभी बताया कि किसी भी पेशेंट से रेलेवेंट जो भी बीमारी होगी जो भी सिम्टम होगी प्रॉब्लम होगी वो ईज़िली हम डाइग्नोज कर सकते हैं किसी भी डिजीज़ को ईजिली विद द हेल्प ऑफ कम्प्यूटर और एप्लीकेशन ऑफ कम्प्यूटर जो काम महीनों या सालों में हुआ करता था और कई जिंदियाँ चली जाती थीं अब काफ़ी हद तक डेथ रेट को कंट्रोल किया गया हाँ ये है कि लाइफ होनी तो ज़रूर चाहिए अब किसी की वैसे ही ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है तो वहाँ पर कंप्यूटर या उसके एप्लीकेशन का क्या रोल हो सकता है लेकिन काफ़ी हद तक ये फैसिलिटेट कर रहे ईज़ प्रोवाइड कर रहे मेडिसन्स को बनाने में मेडिसन को टाइम पर पहुंचाने में सेव करने में रिकॉर्ड्स को मैनेज करने में हिस्ट्री को मैनेज करने में रिसर्च करने में डायग्नोसिस सिस्टम को सपोर्ट करने में लाइफ सपोर्ट सिस्टम में एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा फैसिलिटेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो एक्चुअली मेडिकल फील्ड में भी बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल है तो यहाँ तक आपने इसे रिवाइज कर लेना है किसी किस्म का अगर कोई क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा थैंक यू